मायापुरी न्यूज रील में आपका स्वागत है, मैं हूँ संजना। आइए देखते हैं बॉलीवुड की खबरें फटाफट। बाहुबली प्रभास से मिलते ही मुस्कुरा उठी शिवांगी जोशी। टीवी एक्ट्रेस शिवांगी जोशी इन दिनों लगातार किसी न किसी वजह से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही हैं। एक ओर शिवांगी अपनी लेटेस्ट तस्वीरों के जरिए लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती रहती हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक्ट्रेस शिवांगी जोशी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रभास के साथ ली गई कई तस्वीरों को शेयर किया है। एक इवेंट के दौरान ही शिवांगी की मुलाकात प्रभास से हुई और एक फैन गर्ल की तरह शिवांगी ने झटपट प्रभास के साथ तस्वीरें क्लिक करवा डाली। शादी के 8 साल बाद पेरेंट्स बने टीवी एक्टर जय और माही। पॉपुलर कपल्स जय भानुशाली और एक्ट्रेस माही विश शादी के 8 साल बाद पेरेंट्स बन गए हैं। उनके घर एक नन्ही परी ने जन्म लिया है। टीवी स्टार माही ने इंस्टाग्राम पर जय भानुशाली की बेटी के पैर को चूमते हुए तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वी मेड अ विश एंड हियर यू आर। शुक्रिया हमें अपना पेरेंट्स चुनने के लिए, तुमने हमें पूरा कर दिया। शुक्रिया भगवान हर खुशी के लिए, मेरी जिंदगी बदल दी। माही ने जय की तस्वीर के साथ दो बच्चों की फोटो शेयर की है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें गोद लिया था। ब्रूना अब्दुल्ला ने बेबी बम्प के साथ करवाया स्पेशल फोटोशूट। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मॉडल ब्रूना अब्दुल्ला जल्द ही अपने पहले बच्चे को जन्म देने वाली हैं। प्रेगनेंसी को एंजॉय कर रही ब्रूना ने हाल ही में बेबी बम्प के साथ बेहद खूबसूरत फोटोशूट करवाया है। इसकी तस्वीरें उन्होंने अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों में ब्रूना बेहद सुंदर और सेक्सी लग रही हैं। उन्होंने एक खूबसूरत तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, आज मैं एक चीज़ को दिल से निहारना चाहूंगी और वो है मेरा बेबी बम्प। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। तस्वीर शेयर करते हुए ब्रूना ने बताया कि ये उनकी प्रेगनेंसी का 38वां हफ्ता चल रहा है, यानी कि उनका 9वां महीना शुरू हो चुका है। ब्रूना अब्दुल्ला अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी प्रेगनेंसी से जुड़ी अपडेट्स शेयर करती रहती हैं। बता दें कि ब्रूना अब्दुल्ला शादी से पहले ही अपने पहले बच्चे को जन्म देने जा रही हैं। बीच पर दिखा निया शर्मा का ग्लैमरस अंदाज। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा इन दिनों जमाई राजा की डिजिटल वापसी कर रही हैं। एक वेब सीरीज के लिए उन्होंने पौंडीचेरी में शूटिंग की है। इस वेब सीरीज के लिए वो रवि दुबे और अंचित कौर के साथ शूटिंग कर रही हैं। पौंडीचेरी में शूटिंग के दौरान उन्होंने बीच के किनारे अपनी कई तस्वीरें क्लिक कराई हैं, जिन्हें उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। तस्वीरों में निया बीच पर सफेद रंग की स्कर्ट और ट्यूब टॉप पहने नजर आ रही हैं। उनके खुले बालों में सूरजमुखी का खूबसूरत फूल लगा है। समंदर किनारे रेत पर बैठी निया शर्मा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। निया शर्मा का शो जमाई राजा काफी पॉपुलर हुआ था। अब इसके सेकंड सीजन को जी मीडिया के वेब स्ट्रीमिंग ऐप Z5 पर लाया जा रहा है। एक्ट्रेस का ब्लू बिकनी में फ्लर्टी लुक। एक्ट्रेस रकुल प्रीत इन दिनों इबिजा आइलैंड में समुद्र के पानी का लुत्फ उठा रही हैं। रकुल ने इबिजा वेकेशन से अपनी फोटो शेयर की हैं। इबिजा स्पेन के मेडिटेरेनियन सागर में मौजूद एक आइलैंड है। यहाँ के क्रिस्टल क्लियर पानी में ब्लू बिकनी पहने रकुल की ये फोटो शानदार है। रकुल ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा, ऊपर आकाश, नीचे रेत, अंदर शांति, सभी और खुशियां। तस्वीरों में रकुल ने मेटेलिक सनग्लासेस कैरी किए हैं, साथ ही उनके रेड एंड पिंक हेयर स्ट्रीक्स भी लुक में चार चांद लगा रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो रकुल को पिछली बार अजय देवगन और तब्बू के साथ फिल्म दे दे प्यार दे में देखा गया था। कभी हंसती तो कभी मुस्कुराती नजर आई लिया चक्रवर्ती। हाल ही में रिया चक्रवर्ती की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वो जिम के बाहर नजर आ रही हैं। बाहर आती हुई रिया किसी से फोन पर बात करती नजर आ रही हैं, जिसके बाद से ही तरह तरह की बातें की जा रही हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह रिया की मुस्कान है, जिसको देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो शायद सुशांत सिंह राजपूत से बात कर रही हैं। तस्वीरों को देखकर माना जा रहा है कि शायद रिया चक्रवर्ती अपने बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत से बात कर रही हैं। रिया ने व्हाइट टॉप के साथ मल्टी कलर शॉर्ट्स कैरी किए हैं, जिसके साथ उन्होंने अपने हाथ में व्हाइट वॉच कैरी की थी। न्यूयॉर्क की सड़कों पर हिना खान को नजर आए रसीले संतरे। हाल ही में हिना खान ने अपनी कुछ तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिनमें वो अमेरिका की सड़कों पर मजे से पोज देती नजर आ रही हैं। तस्वीरों को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो न्यूयॉर्क में कितने मजे कर रही हैं। तस्वीरें क्लिक करवाते हुए अचानक हिना खान को इंडिया के रसीले संतरे याद आ गए। दरअसल हिना खान ने अपनी इन तस्वीरों पर कैप्शन डाला है कि संतरे की तरह आपकी चमक भी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। अब हिना को संतरे तो याद आएंगे ही, क्योंकि उन्होंने ऑरेंज कलर की ड्रेस जो पहनी है। तस्वीरों में हिना ने ऑरेंज कलर का शानदार आउटफिट पहना हुआ है। इस ड्रेस के साथ हिना ने ब्लैक कलर का पर्स भी कैरी किया हुआ है। अपने शानदार लुक में हिना खान बेहद कमाल लग रही हैं। अर्चना पूरन सिंह ने बताया सिद्धू के जाने के बाद कैसे मिला कपिल का शो। द कपिल शर्मा शो में नवजोत सिंह सिद्धू के जाने के बाद अर्चना पूरन सिंह ने जज की कुर्सी संभाल रखी है।
अर्चना पूरन सिंह ने बताया कि शुरुआत में जब बिजी शेड्यूल की वजह से नवजोत सिंह सिद्धू ने शो छोड़ा तो उस समय मैं कॉमेडी सर्कस शो जज कर रही थी। अर्चना के मुताबिक जब सिद्धू दो हफ्ते के लिए गए तो मुझे मेकर्स ने बुलाया। इसके बाद जब चुनाव के लिए नवजोत सिंह सिद्धू गए तो मुझे दोबारा बुलाया गया। अर्चना ने बताया मुझे कुछ एपिसोड के लिए ही बुलाया गया था। मैं शो में आकर बहुत खुश थी क्योंकि कॉमेडी सर्कस और कपिल शर्मा शो दोनों की टीम एक जैसी है। मेरे लिए दोनों टीमों के साथ काम करना बेहद आसान रहा। अर्चना को लेकर शो में अक्सर कहा जाता है कि वो शो के जज नवजोत सिंह सिद्धू को खा गई। एक गाने के लिए करिश्मा ने बदली थी 30 बार ड्रेस। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने एक रियलिटी टीवी शो की शूटिंग के दौरान अपनी एक पुरानी फिल्म की शूटिंग का किस्सा शेयर किया। करिश्मा ने बताया कि साल 1996 में रिलीज हुई उनकी फिल्म कृष्णा के गाने झांझरिया की शूटिंग के दौरान उन्हें 30 बार अलग अलग ड्रेस चेंज करनी पड़ी थी। ये गाना उस वक्त खूब लोकप्रिय हुआ। करिश्मा ने कहा गाने के दो वर्जन थे, मेल और फीमेल। मेल वर्जन रेगिस्तान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में शूट किया गया था और फीमेल वर्जन को 3 दिनों तक मुंबई में शूट किया गया था। उन्होंने बताया रेगिस्तान में रेत पर डांस करना था और शूटिंग के दौरान रेत आंखों में आ रही थी जिससे काम और ज्यादा मुश्किल हो गया था। करिश्मा ने बताया हमने जब फीमेल वर्जन की शूटिंग शुरू की तो मुझे एहसास हुआ कि गाने की शूटिंग के दौरान 30 बार आउटफिट बदलना था। मायापुरी न्यूज रील में इतना ही। कुछ देर में फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की तमाम अपडेट्स के साथ। देखते रहिए मायापुरी कट।